हाय गाइस, स्मार्ट प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 में लॉगिन पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। आपने अक्सर अगर देखा होगा, जैसे ही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ऑन होता है, स्टार्ट होता है, तो सामने एक विंडो आती है जिसमें आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। अगर आप सही पासवर्ड डालते हैं तो आप लैपटॉप में एंटर हो सकते हैं या फिर कंप्यूटर में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज आपको वो एरर शो करता है कि आप पासवर्ड सही डालें तभी आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपके पीसी में ये लॉगिन पासवर्ड सेट नहीं है तो हम जानने वाले हैं कि आखिर ये पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आखिर समझ लेते हैं कि पासवर्ड कैसे सेट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और अभी मेरे पीसी में कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। सबसे पहले अगर आपको अपने पीसी विंडोज 10 में पासवर्ड सेट करना है तो उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ देखिए विंडो का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग का आपको एक आइकन मिलता है, आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो विंडोज 10 के यहाँ पे हमें सेटिंग्स दी गई हैं अलग अलग कैटेगरी की, वो यहाँ पे शो हो जाती है। आपको यहाँ पे अकाउंट्स को चूज करना है। जैसे मैं अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो अकाउंट्स के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मेरे सामने ओपन होकर के आ जाती है। अभी यहाँ पे देखिए, मेरा अकाउंट जीनियस डेविल के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है, लोकल अकाउंट है, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए साइड में आप देखेंगे साइन इन का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लैपटॉप या पीसी में एंटर करने के लिए बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे जो लैपटॉप में फिंगरप्रिंट का डिवाइस भी लगा हुआ है तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, पासवर्ड का भी मिलेगा, पिन का भी मिलता है, और अगर आप चाहें तो पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। पिक्चर के पर्टिकुलर किसी एरिया पर आप कोई साइन बना सकते हैं जिसकी मदद से आप पिक्चर पर भी पिक्चर का पासवर्ड लगाकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम पिन सेट करने वाले हैं, सॉरी पासवर्ड सेट करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे चेंज योर अकाउंट पासवर्ड, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेरे पीसी में पहले से एक अकाउंट बना हुआ है जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो करंट पासवर्ड जो भी है वो यहाँ पर आपको डालना है। देखिए मेरे केस में यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया हुआ है, और अगर आपके पीसी में पासवर्ड सेट नहीं होगा तो यहाँ पे चेंज की जगह जिस तरह यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ है सेम इसी तरह से यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ आएगा और आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। सेम बाकी जो प्रोसेस मैं बताऊँगा वो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे केस में सेटअप की जगह चेंज आ रहा है, तो आपके केस में अगर आपने कोई लॉगिन पासवर्ड क्रिएट नहीं किया होगा तो आपके केस में जिस तरह यहाँ पे सेटअप आ रहा है सेम ऐसे यहाँ पे आएगा, आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। ये वाली विंडो आपके सामने नहीं आएगी क्योंकि ये तब आएगी जब आप पासवर्ड चेंज करेंगे। आपके केस में सेम इस तरह की विंडो आएगी। ठीक है, इस तरह की विंडो आपके केस में आएगी जब आप पासवर्ड सेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड डालना है, उसके बाद में आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पे री एंटर करना है, रिपीट करना है, और यहाँ पे आपको कोई हिंट डालना है। हिंट इसलिए डालना है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आपको उस हिंट को देख करके समझ में आ जाए कि हाँ मेरे लॉगिन पासवर्ड जो है मेरा वो ये था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी हिंट डालना हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे फिनिश का बटन आएगा, आपको फिनिश करना है। इतना करने के बाद आपके पीसी पर, आपके लैपटॉप पर लॉगिन पासवर्ड लग चुका है। अब आपको अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना है। जैसे रिस्टार्ट करेंगे तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए विंडो आएगी और वहां पे आपको अपना जो पासवर्ड यहाँ पे अपने सेट किया है वो पासवर्ड वहाँ पे डालना है। अगर सही पासवर्ड डालोगे तो ही आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।